અને સાથે સાથે ગવ્ય સિદ્ધ વૈદ્ય પણ ત્યાં તૈયાર કરે છે. ઘણા ખરા આખા ભારત વર્ષમાં ગવ્ય સિદ્ધ વૈદ્યો તૈયાર થઈ અને ગાય આધારિત પંચગવ્ય ચિકિત્સા આખા ભારતમાં કઈ રીતે પ્રસ્થાપિત થાય એ એક વિષય લઈ અને આખા ભારતમાં પરિભ્રમણ કરી અને આ વિષયને પ્રસ્થાપિત કરે છે. મૂળ ગાય માતાને સ્થાનમાં રાખી અને ભારતનો પાછો કઈ રીતે ઉત્થાન થાય એ વિષયને આગળ લઈ અને શ્રી નિરંજનભાઈ વર્મા આખા ભારત દેશમાં પરિભ્રમણ કરે છે. લગભગ ગુજરાતમાં 12 દિવસથી પ્રવાસ ચાલુ છે. હજી લગભગ 4-5 દિવસનો બીજો પ્રવાસ છે. આ રીતે બધી જગ્યાએ પ્રવાસ કરતા હોય છે. આપણે આજે આ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ બધાને ખ્યાલ છે કે નારણભાઈએ આયોજન કર્યો છે, પણ અમુક સંજોગ એવા થઈ ગયા નારણભાઈને બહાર જવું પડ્યું છે એટલે અત્યારે ઉપસ્થિત નથી રહ્યા. હમણાં થોડી વારમાં આવશે. આપણે શ્રી નિરંજનભાઈ વર્માનું શાબ્દિક સ્વાગત કરી અને નિરંજનભાઈ વર્માને આપણે કહેશું કે એનું પોતાનું વક્તવ્ય આપે કે પંચગવ્ય ચિકિત્સા તો આપણે સવારે કરી એ એક ઔપચારિકતા હતી કે એ તો જબરજસ્તી કરવી પડે છે, પરંતુ આપણી જીવન વ્યવસ્થા જ એવી હોય કે જેમાં ચિકિત્સા જ ન લેવી પડે, આપણે બીમાર કેમ ન રહી, એના માટે આપણે શું કરવું, કયા વિષયનું ધ્યાન રાખવું, એના ઉપર આખું વક્તવ્ય આપશે શ્રી નિરંજનભાઈ વર્મા. તો આપણે શાબ્દિક સ્વાગત કરી અને બીજો કોઈ વિષય આપણે એને લઈએ કોઈ તો એ રીતે હું વિનંતી કરીશ શ્રી નિરંજનભાઈ વર્માને કે એ પોતાનું વક્તવ્ય આપણે અને આપણે બધા શાંતિથી એને સાંભળશું અને કઈ રીતે આપણે જીવનમાં આગળ વધવું જોઈએ, શું ખાવું જોઈએ, શું પીવું જોઈએ, કેમ રહેવું જોઈએ, આપણી શું વ્યવસ્થા હોય, એ બધું આપણે એમની પાસેથી શીખવાનું છે અને આપણે જીવનમાં ઉતારવાનું છે. તો એક વખત આપણે તાળીઓ વગાડી અને નિરંજનભાઈ વર્માનું આપણે સ્વાગત કરશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. હું નિરંજનભાઈને વિનંતી કરીશ કે પોતાનું વક્તવ્ય આપ્યો. आज की सभा में उपस्थित सभी भाई बहन माताएं बच्चे और आज इस संवाद सभा के आयोजन में जिन साथियों ने भरपूर प्रयास किया है आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ. गविशिद नारायण, दीपक भाई, वनराज भाई और भी बहुत पुराने साथी जिन्होंने राजीव भाई के साथ आंदोलन में उनका बहुत सहयोग किया है, आप सभी का धन्यवाद प्रकट करते हुए आज की सभा में गाय के विज्ञान
गाय का विज्ञान और उसका कुछ धार्मिक पक्ष। चूंकि यह परिसर बड़ा ही पवित्र मंदिर का परिसर है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर कुछ आध्यात्मिक चीज़ें जो विज्ञान से जुड़ी हुई है, यह भी आपके सामने संवाद के रूप में रखूँ। यहाँ भुज में पहली बार मेरा आना हुआ है, तो शायद आप में से बहुत लोगों ने मुझे पहले नहीं सुना होगा, विषय नया है, इसलिए आपके मन में मेरे संवाद से बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। नई तरह की जिज्ञासाएं गाय के प्रति, गाय को समझने की दृष्टिकोण से आपके मन में उठेगा, तो मैं आप सभी से निवेदन पूर्वक कहता हूं कि आप सभा के अंत में अपनी जिज्ञासा को लेकर मत जाना, आप प्रश्न पूछ लेना। जितना भी समय लगे, जितना भी गौ माता ने मुझे ज्ञान दिया है, उस आधार पर आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा। आपके यहाँ जो मूलतः भौगोलिक रूप से गाय है, इसको कांकरेज गाय कहते हैं। यहाँ देखा मैंने सड़कों पर घूमते हुए, और बहुत अच्छी बात देखी कि यहाँ के हर चौराहे पर गाय को चारा देने का नियम है, और लोग जो है रोड चलती हुए गाय को भी चारा देते हैं। गाय किसी की भी हो, उसको चारा देते हैं। ये बड़ा जो है सुंदर और अद्भुत व्यवस्था है आपके यहाँ, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। भारत में आज ने 15वीं 16वीं शताब्दी का भारत, यानी लगभग आप समझ लो 400 साल पहले का भारत यदि आप देखें, तो भारत में 350 गाय की प्रजातियां थी। जैसे आपके यहाँ कांकरेज है, इसी तरह से पूरे भारत में अलग अलग भूगोल में लगभग 350 गाय की प्रजातियां थी। लेकिन अभी यदि वर्तमान को अगर आप देखो, तो वर्तमान में मुश्किल से 100 प्रजातियां बची हुई है। लगभग 250 प्रजातियां पूरी तरह से जड़ मूल से खत्म हो गई है, अब उन प्रजातियों का निशान नहीं बचा है। कुछ पुराने ग्रंथों में, दस्तावेजों में उनके चित्र और उनके विवरण केवल बचे हुए हैं, और यह इसी कारण हो रहा है कि लगातार पिछले 600-700 वर्षों से गाय को खत्म करने की दृष्टिकोण से कई प्रकार के षड्यंत्र हमारे देश में चल रहे हैं। गौ हत्याएं पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन चलता ही रहता है, और उसके खिलाफ हम भारत के लोग अपनी ताकत के हिसाब से लड़ते आए हैं। आज भी गौ हत्या रोकने के लिए लड़ाइयां चलती है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि गाय को बचाने के दृष्टिकोण से हम भारत के लोग इतने गतिशील क्यों रहते हैं। क्या मात्र दूध ऐसा विषय है जिसके लिए गाय को बचाने की जरूरत है? और यदि मात्र दूध की बात हो, तो पूरे भारत में गाय के साथ साथ भैंस का दूध भी पिया जाता है। बहुत सारे प्रदेश के लोग बकरी का दूध भी पीते हैं, आपके पड़ोस में जो राज्य है, प्रदेश है, वहाँ ऊँटनी का भी दूध पीते हैं। लेकिन कभी भी गाय को छोड़कर दूसरे जितने भी जीव हैं, इनको दूध पीने की दृष्टि से कभी माँ का संबोधन नहीं मिला। कभी भारत में किसी को भैंस माँ कहते हुए नहीं सुना मैंने, आपने भी नहीं सुना होगा, और नहीं बकरी माँ कहते हुए किसी को सुना होगा कि बकरी माँ है। लेकिन आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, सबके मुख से यह बात जरूर निकलती है कि गौ माँ, गाय माई है, माता है। क्यों? क्या केवल दूध कारण है? यदि दूध कारण होता तो दूसरे बहुत सारे जीव हैं जिनका दूध हम पीते हैं,
और उनका दूध पीते हुए उनको भी माँ का संबोधन करते, लेकिन न तो आज और न ही कल हमारे पूर्वजों ने गाय को छोड़कर किसी भी दूसरी जाति को माँ का संबोधन दिया। यहाँ तक कि गाय को खत्म करने की दृष्टिकोण से हमारे भारत में डुप्लीकेट गाय भी लाई गई, जिसको जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन क्रॉस, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो दिखने में गाय की तरह है लेकिन गाय नहीं है, उनको भी माँ का संबोधन नहीं मिला अभी तक। मैंने नहीं किसी को सुना कि कोई कहता वो जर्सी माँ या होलिस्टियन माई, सबके मुख से गाय के प्रति ही जो है माँ का संबोधन मिलता है। तो निश्चित रूप से ये खोज का विषय रहा कि आखिर गाय को माँ के रूप में हम क्यों कहते हैं। तो इसी विषय पर आज मैं आपसे थोड़ा संवाद करने की कोशिश करूँगा। और दूसरा जो विषय है कि बहुत तेजी के साथ हमारे देश में डुप्लीकेट गाय की संख्या बढ़ रही है, यानी दिखने में गाय की तरह लगती है लेकिन वास्तव में वो गाय होती नहीं। जैसे हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और भैंस के पास में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि छू के बताइए ये कौन जीव है, तो शायद ही हम अंतर महसूस कर सकेंगे। जो लोग बहुत बारीक से गाय और भैंस को जानते हैं वे लोग ही समझ सकेंगे, लेकिन सामान्यतः आकृति से, उसके रूप से हम नहीं पता कर सकते कि ये भैंस है या गाय है। अभी जैसी गाय होती है वैसा ही भैंस भी है, लेकिन कभी भूल से भी हमने भैंस को गाय नहीं कहा। उसी प्रकार से जो जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन क्रॉस जो है, जो दिखने में गाय की तरह है, बहुत बारीक से अगर अध्ययन करो तो पता चलता है, नहीं तो सामान्यतः उसका हाथ, पांव, कंधा, मुंह, थन, ये सारे जो उसके अंग हैं, इन अंगों को छूने से सामान्य लोग नहीं बता सकते कि ये गाय है या जर्सी है। गाय के विषय में आपसे चर्चा हो रही थी कि गाय की तरह दिखने में दूसरी बहुत सारी जीव हैं लेकिन उनको भी हम कभी भी भूल से गाय नहीं कहते। अर्थात इसका मतलब यह है कि मात्र दूध के कारण गाय को माँ का दर्जा नहीं प्राप्त है। गाय को गौ माँ केवल दूध के कारण नहीं कहते, तो किस कारण से कहते हैं? तो इस विषय को समझने के लिए एक सूक्त है, एक वेद सूक्त है। इस वेद सूक्त में बताया गया है कि गाय को माँ क्यों कहते हैं। नमो गोव्य श्रीमतिभ्य शौर्भेभ्यः एव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। शर्वकाम दूधे देवी शर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनीशूर्भि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। ये वेद सूक्त है। इस सूक्त में गाय की महिमा को गाया गया है और बताया गया है कि गाय क्या है। इसमें सर्वप्रथम है नमो गोव्य। गोव्य का जो भाव यहाँ है वह संपूर्ण गोवंश के साथ है, अर्थात केवल गाय नहीं बल्कि गाय, नंदी, उसके बछड़े, बछड़ियाँ, सबको हमें नमन करना चाहिए, सबको नमस्कार करना चाहिए। नमो गोव्य, संपूर्ण परिवार को नमन करना चाहिए। और किस प्रकार से नमन करना चाहिए? तो श्रीमतीभ्य, जैसे हम अपने परिवार में, समाज में रहते हुए बड़ी माताओं को जितना सम्मान देते हैं, अपनी माँ को जितना सम्मान देते हैं,
श्रीमती के संबोधन के साथ, तो संपूर्ण गौवंश को इसी तरह से सम्मान देना चाहिए। नमो गोव्य श्रीमतीभ्य, वो हमारी माँ को जितना सम्मान मिलता है उतना सम्मान की हकदार है गाय। शौर्भेभ्य हो ये वचन, और इतना सम्मान इसलिए देना चाहिए गाय को, करना चाहिए, क्योंकि यह जो गाय है वह सूर्य की प्रतिनिधि है। सूर्य अकेले हैं पूरे सौर मंडल में जो जीवन पर्यंत सब कुछ देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। हम सूर्य की किरणों से खेती करते हैं, सूर्य की किरणों के कारण हमारा जीवन चलता है, सब कुछ जीवन भर हम सूर्य से लेते हैं। कभी सूर्य को देकर देखा है? दे सकते कभी कुछ? कुछ नहीं दे सकते। सूर्य ऐसे हैं जो सबको सब कुछ देते हैं, लेते नहीं किसी से कुछ। बिल्कुल ऐसी ही हमारी गाय है, किसी से कुछ नहीं लेती लेकिन जीवन पर्यंत सब कुछ देती है। इसीलिए गाय की तुलना इस सूक्त में जो है वो शौर्भेभ्य है वच, बिल्कुल सूरज की तरह, बिल्कुल सूरज की तरह, सूरज द्वारा भेजी गई यह प्रतिनिधि है। इसलिए गाय का भी स्वभाव ऐसा ही है, किसी से कुछ नहीं लेना, जीवन पर्यंत देते रहना। हमारे आपके घर पर गाय रहती है, गाय को सुबह खोल दो, सब जगह घूम करके पेट भर करके शाम में आ जाएगी घर पे। हम क्या करते, उसका दूध निकाल लेते। गाय को चारा इसलिए देना पड़ता है क्योंकि गाय को हम बांध करके रखते हैं, या गाय का जो घर है जंगल चारागाह, उसको हमने उजाड़ दिया है, चारागाहों को खत्म कर दिया, कब्जा कर लिया है, चारागाह पर मकान बना लिया है। वो गाय की जगह थी, हमने ले लिया गाय से। गाय को चरने की जगह जंगल थी, जंगल को खत्म कर दिया। तो इस कारण से गाय को कुछ देना पड़ता है, लेकिन यदि उनका घर, उनका चारागाह यदि है तो सुबह छोड़ दो, आप दिन भर चर करके शाम में आ जाती है दूध देने के लिए। तो सब दिन देने वाली जीव जो है वो गाय है। और यदि उसको हम कुछ खिला भी देते हैं, कुछ रोटी दे दिया, कुछ चारा खिला दिया, तो गाय एक ऐसी जीव है जो किसी का कर्ज नहीं रखती। आप उसको एक रोटी खिला दो तो हमारे जीवन में वो 10 रोटी का फल दे देती है अप्रत्यक्ष रूप से, कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। जितना दे दो उस पर 1 शून्य लगा करके दे देती है, उससे ज़्यादा ही देती है। इसीलिए इस सूत्र में जो है, सूक्त में, वेद सूक्त में कहा गया शौर्भेभ्य एवच, बिल्कुल ये सूर्य नारायण की तरह है, देने वाली केवल देना जानती है, लेना नहीं जानती, लेती कुछ नहीं। आप थोड़ा दोगे वो 10 गुना ज्यादा दे देगी, तो फिर कैसे लिए? इसके आगे ही सूक्त में कहते हैं ब्रह्मसुता भेश्चर, यानी यह ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। तो ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा एक ऊर्जा है जिस ऊर्जा के कारण संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति हुई है, सूर्य नारायण से लेकर सारे ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी और इस पर विराजने वाले 84 लाख योनि, वनस्पति, जितना कुछ हमारी आंखों के सामने दिखता है, ये सभी के निर्माण में कौन लगे हुए हैं? ब्रह्मा। और ब्रह्मा कोई शरीर वाले नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक प्रकाश पुंज है। जिस ऊर्जा प्रकाश पुंज के कारण सृष्टि है, यह जो हमारी गाय है उसी ऊर्जा की पुत्रियां हैं। ब्रह्म सुता भेश्चर,